भगवान राम खाते थे सुअर का मांस। वेल, आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा ये कुछ हिंदू लोग हमसे कहते रहते हैं कि भाई क्या यार, तुम क्रिश्चियन लोग तो खाली मीट खाते हो, मीट। लेकिन वो भाई खुद नहीं जानते, कभी उन्होंने अपनी धार्मिक पुस्तक पढ़ के नहीं देखा कि भगवान राम ने सुअर का मीट भी खाया है। हिरन का तो भाई उनका डेली का था, लेकिन सुअर भी खाते थे। चलिए देखते हैं। जब ये हिरण को देखा सीता मैया ने, तो सीता मैया ने कहा ये हिरण कितना अच्छा है। वास्तव में सीता मैया क्या था, सीता मैया ने कुटिया के पीछे एक गार्डन बना के रखा था। उस गार्डन में वहां पर कई सारे ऐसे गिलहरियां, खरगोश, इनको रखा करती थी और इनसे स्नेह करती थी। ऐसे नहीं उनको मीट खाने का शौक था, जैसे कि जाकिर नायक, जैसे उल्लू पाजी लोग बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था कि जो है उनको उनको हिरण का मांस खाना था तो बोली नहीं नहीं आज हम हिरण का मांस खाएंगे। नहीं तो क्यों बोलती हो हिरण लाने के लिए? क्योंकि ये जो भाई साहब लोग हैं, जाकिर नायक जैसे लोग, क्योंकि ये लोग हिरण को देखे क्या सोचेंगे, हमें तो टंगड़ी खानी है, इसलिए उनको लगता है सब यही खाएंगे। लेकिन असल में उस वक्त सीता मैया ने जब बोला मुझे हिरण चाहिए, तो हिरण को खाने के लिए नहीं बोला। असल में उनकी इच्छा थी जब हिरण आएगा तो मैं इसके ऊपर इसको स्नेह दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे जो कुटिया के पीछे जो गार्डन है जहाँ पर कि ये प्यारे प्यारे जानवर रहते हैं, उनमें से इनको इसको भी सम्मिलित करूंगी। बिल्कुल सरासर झूठ है ये। राम ने जिस हिरण को मारा ना, एक्चुअल में वो पालने के लिए नहीं मारा, उसे मार ही डाला भाई। अब देखो, कहानी पढ़ो रामायण कभी। उस मृग को तो देखिए, कितना प्यारा मृग है वो। हाँ सीते, अति सुंदर मृग है। मुझे ये मृग ला दो ना प्रभु। यदि मृग को जीवित न पकड़ पाए, इसका चर्म ही ले लूंगी। असल में उनकी इच्छा थी जब हिरण आएगा तो मैं इसके ऊपर इसको स्नेह दिखाऊंगी। यदि मृग को जीवित न पकड़ पाए, इसका चर्म ही ले लूंगी। जो कुटिया के पीछे जो गार्डन है जहाँ पर कि इसका चर्म ही ले लूंगी। क्योंकि मेरे जो कुटिया के पीछे जो गार्डन है जहाँ पर कि ये प्यारे प्यारे जानवर रहते हैं, इसका चर्म ही ले लूंगी। उनमें से इनको इसको भी सम्मिलित करूंगी, इसका चर्म ही ले लूंगी। मेरा एक सवाल है कि जो दशरथ ने हिरण समझ के श्रवण को मारा, जो बूढ़े माँ बाप का इकलौता बेटा था, तो यहाँ पे दशरथ जो शिकार करने गया था वो किस लिए गया था? हिरण का शिकार करने गया था दशरथ, राम का बाप पिताजी, वो किस लिए गया था? खाने के लिए ही ना। और दशरथ अगर मीट खाता था, शिकार करके जो मीट देता था हिरण का, वो अपने बच्चों को भी देता ही था, वो देते हैं भाई। आप देखो, घर पे आप अगर कुछ लेके आते हो कहीं से तो अपने बच्चों को भी देते हो ना खाने को, तो ऑब्वियसली राम भी खाता था भाई। जब राम का पिताजी शिकार करने गया था और उसने हिरण सोच के बाण चलाया, लेकिन लगा किसको, श्रवण को, तो वो शिकार किस लिए करने गया था? खाने के लिए ही ना। तो घुमाओ मत बात को। तो वीडियो बनाते हुए ये दूसरा दिन है और करीबन सुबह के 10 बज रहे हैं, और अब हम देखने वाले हैं कि कैसे जो वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी गई थी उसका ट्रांसलेशन जब हिंदी में किया गया, जहाँ जहाँ मांस लिख के आया है ना वहाँ पर कंदमूल डाल दिया है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में राम द्वारा, लक्ष्मण सीता द्वारा मांसाहार के अनेकों श्लोक अनेकों खंडों में मिलते हैं, अनेकों अध्यायों में मिलते हैं। लेकिन कुछ जो है लोग इसका बहुत प्रबल विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, राम जो है विशुद्ध शाकाहारी थे, राम कभी मांसाहारी नहीं हो सकते थे। लेकिन दोस्तों, ये तो आप और हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में जब भी रहा हो रामचंद्र जी का समय, जैसा कि त्रेता युग बताया जाता है, तो उस समय जो है अन्न इतना नहीं होता था, अन्न की पैदावार नहीं थी, और लोग जो है प्रायः मांसाहार पर ही निर्भर होते थे। और आदिमानव तो हमेशा से मांसाहार से ही प्रारंभ किया, और आज भी हमारे देश में क्या पूरे विश्व में तमाम लोग जो है मांसाहारी हैं, शाकाहारी बहुत कम हैं।
बिल्कुल सही, भारत में मांसाहार ज्यादा होता है। वाल्मीकि रामायण में कई जगह जो है श्री राम और सीता लक्ष्मण द्वारा मांस खाने के प्रसंग आते हैं संस्कृत में, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है वो मूल रामायण में सही था, लेकिन जो आजकल बाद में छपी हैं उनमें जो है गीता प्रेस गोरखपुर ने जानबूझ करके मिस ट्रांसलेशन किया है। समझ रही हो बात को? समझ रही हो? जहाँ जहाँ मांस खाया बोल के लिख के आया है ना, वहाँ पर बदल दिया है भाई शब्द को। संस्कृत में मांस ही लिखा है भाई, जो मांस खाया बोल के लिखा है, लेकिन वहाँ पर भाई कंदमूल डाल दिया गया है। अभी देखेंगे भाई, देखेंगे। गलत अनुवाद किया है उसको, मांस को जो है फलों का गूदा बता दिया है जगह जगह। तो दोस्तों ये उसने जो है जानबूझ करके किया है और लोगों को भ्रमित किया है, और इसी के आधार पर लोग ये लोग जो राम के शाकाहारी होने के समर्थन में अपने तर्क देते हैं। क्योंकि तुलसी इसने वाल्मीकि रामायण में गीता प्रेस गोरखपुर ने जगह जगह जो है आप देखेंगे स्पष्ट रूप से मांस शब्द है, तो मांस शब्द को ही फलका गूदा का कोई मतलब नहीं होता है, भूनने का, सेकने का, उसको तलने का कोई मतलब नहीं होता है। तो जानबूझ करके ये जो है मिस ट्रांसलेशन किया गया है दोस्तों, और गूगल पर सर्च करते हैं तो अनेकों वेबसाइट समर्थन में है, रामचंद्र जी शाकाहारी थे, अपने अपने तर्क हैं, और इसी तरह के तर्क हैं कि वो मांस को फल का गूदा बता देते हैं, और अनेकों जो है इसके वास्तविक अर्थ भी रखते हैं कि ये जो है मिस ट्रांसलेशन किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर ने। तो दोस्तों अनेकों वेबसाइट हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं आज आपको ऐसी ही एक वेबसाइट के हवाले से, और देखिए ये हमारे पास ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, प्रथम भाग है, इसमें केवल जो है बालकांड और किष्किंधा कांड और अयोध्या कांड ये कांड हैं। तो इसमें से आज हम कुछ प्रमुख जो है प्रसंग आपके सामने रखते हैं, और एक मैंने देखी wordpress.com नाम से एक वेबसाइट है, उसमें मिथबस्टर नाम से शीर्षक है, और उसको आप भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये अंग्रेजी में है, सरल हिंदी में करके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसमें कहते हैं वो प्रत्येक अर्थ बता करके, शब्द का अर्थ बता करके कि ये जो है मिस गाइड किया गया है रीडर्स को। आगे चलते हैं, श्री रामचंद्र जी एंड श्री लक्ष्मण किलिंग एनिमल्स फॉर मीट। रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी जानवरों को मीट के लिए मारते हैं। दो संस्कृत टेक्स्ट, तत्रम हत्वा चत्रो मामृगाना बराहा मृस्यम प्रस्ता आदायम मेध्यम त्रुतम बुभेक्षितो वासाय काले ययाति। एक बात बता दूं, संस्कृत थोड़ी बहुत मुझे भी समझ आती है। कैसे समझ आती है? मैंने पढ़ा है भाई संस्कृत। और कैसे पढ़ा है? मैं सेंट्रल स्कूल पढ़ाऊँ, और सेंट्रल स्कूल यानी केवी भी पढ़ाऊँ, मैं दूसरे मिशनरी स्कूल्स भी पढ़ाऊँ, तो केवी में पहले संस्कृत भी पढ़ाया जाता था। अभी पता नहीं पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, आप लोग बताना कमेंट्स में, लेकिन पहले पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पर जो हत्या बोला है ना, तो यहाँ पर हत्या का मतलब हत्या ही है। चत्रो महामृगाना, महामृगाना मृग का मतलब होता है हिरन, मृग हमारे नेपाली में भी मृग कहते हैं। अब यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि भाई मृग को यानी हिरन की हत्या की, मांस के लिए नहीं की तो किस लिए की? चलिए देखते हैं। ये जो है श्लोक है 52:102, यहाँ चलते हैं 52:102। हाँ ये है दोस्तों 323 पृष्ठ पर है, अयोध्या कांड 52वां सर्ग का है। तौ तत्र हत्वा चत्रो महामृगाना बराहम रस्यम। नोटिस कीजिए, बराहम का मतलब होता है सुअर, तो राम सुअर भी खाते थे। तमारुम आदाय मेध्यम त्रुतमुवच्छितो वासाय काले यय त्रुवन वनस्पतिम। 102 पृष्ठ पर है। देखिए इसका जो है एक एक अर्थ का शब्द का दिया है, बराहम रिश्यम ए वाइट फूटेड मेल एंटीलोप। ये रिश्यम जो दिया हुआ है यहाँ शब्द, रिश्यम का मतलब है, बराहम का मतलब है सुअर, हंग्री यानी भूखे, बुभुक्षितो बीइंग वेरी हंग्री, बुभुक्षितो का मतलब है बहुत भूखे, और वोर का मतलब है इसमें जो वोर आया है, तो तत्र महत्वा चत्रो महामृगाना बराह माने शुअर, बराहम प्रश्यम प्रसतम महारुरुम। ये रुर जो शब्द आया है ये भी हिरण के लिए होता है, बराहम ये बोर, बराहम यानी वोर यानी सुअर, रिश्यम
ये रिस्यम जो शब्द आया है, रिस्यम का मतलब है ये वाइट फुटेड मेल एंटीलोप, यानी सफ़ेद टांगों वाला एंटीलोप मृग। और प्रस्थम स्पॉटेड डियर, प्रसतम जो शब्द आया प्रसतम महारुरुम, ये जो होता है स्पॉटेड डियर चितकबरा हिरन। महारुरुम महागुरुम ये ग्रेट डियर विद ब्लैक, यानी कलर के जो है महारुरुम ये जो है काला कृष्ण मृग होता है, ग्रेट डियर विद ब्लैक। तो ये जो है देखिए क्या कहते हैं कि द संस्कृत बर्ड हत्वा आफ्टर किलिंग, हत्वा का मतलब है यहाँ दिया हुआ है तो तत्र हत्वा, ये जो है हत्वा का मतलब है आफ्टर किलिंग मारने के बाद, बट इट इज रॉन्गली ट्रांसलेटेड। देखिए क्या किया इन्होंने, इन्होंने लिखा है कि वहाँ उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए, मृगया कहते हैं शिकार से, शिकार विनोद के लिए बराह, बराह तो दिया इसमें, ऋष्य, ऋष्य का मतलब हिरण बताई दिया, प्रसत ये भी हिरण और महारुरु ये भी हिरण अलग अलग वैरायटी के, इन चार महामृगों पर बाणों का प्रहार किया, ये जो है वाल्मीकि रामायण में दिया है। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र, देखिए अब वो तो मार लिए इतने वरा और वो, लेकिन यहाँ जो है मिसट्रांसलेशन कर दिया आगे के श्लोक का, आदाय मेधम तुरतम बुभेक्षितो, तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल, अब ये जबरन घुसेड़ा गया, कहीं कंदमूल फल का जिक्र नहीं है, कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। अब बताइए इतने मृग मारे वराह मारे तो उनको फिर जो है कंदमूल यहाँ पर कहीं नहीं है, तो ये जो है मिसट्रांसलेशन किया। सिमिलरली वर्ड मध्यम प्योर मीट ईयर बट इट इज़ रॉन्गली ट्रांसलेटेड एज कंदमूल फूल, यानी उसका जो है मध्यम, मध्यम का मतलब है प्योर मीट, और प्योर मीट को क्या कर दिया इन्होंने कंदमूल फल, यहाँ पर आपने देखा दोस्तों। कोई भी हिंदू भाई जानकार है तो मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा इस बात का। मेरा सवाल ये है कि भाई अगर राम ने कंदमूल खाया, मीट नहीं खाया, मांस नहीं खाया, तो फिर यहाँ पर चार प्रकार के हिरन का, स्पॉटेड हिरन, उसके बाद में ऐसा क्या बोलते हैं वो ऐसा टांगों में वाइट कलर का वो वाला हिरन, चार प्रकार के हिरन और सुअर को क्यों मारा भाई, अगर कंदमूल खाया तो क्यों मारा, प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा। और अगर कोई हिंदू भाई ये कहता है कि भाई राम ने ना उससे खाया नहीं उस हिरन लोगों को, चार हिरन और एक सुअर को ऐसे खाने के लिए नहीं मारा, बस मज़े के लिए, शिकार के लिए, भाई शिकार किस लिए खेलते हैं, मज़े के लिए किया, तो फिर यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है कि आप लोग ही बोलते हो कि भाई किसी बेजुबान जानवर को क्यों मारना, अपने स्वाद के लिए, अपने मज़े के लिए ना, तो वह यहाँ पर आप खाओ, चाहे आप मीट खाओ चाहे आप ना खाओ, बात खाने या ना खाने की नहीं है, बात है भाई आप लोगों के हिसाब से कि बेजुबान जानवर को क्यों मारना भाई, शिकार के लिए क्यों, शिकार के मज़े के लिए क्यों, दोनों तरीक़ों से फंसोगे आप। IE यानी फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स और फ्रूट्स एक्स्ट्रा, द इंटेंशनल मिस ट्रांसलेशन बाई गीता प्रेस गोरखपुर। देखो भाई राम किसी भी चीज़ का मीट खाए उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो हिरन हो, चाहे वो एंटीलोप हो, एंटीलोप भी एक प्रकार का हिरन होता है, चाहे वो सुअर हो, चाहे वो गधा हो, किसी का भी मीट खाए भाई खाए, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति मुझे तब है जब ये हिंदू लोग, जब ये हिंदू लोग मीट नहीं खाने वाले वेजिटेरियन लोग हम क्रिश्चियन को कहते हैं कि तू जीवी जानवर का मीट खाता है, और वो भी कैसा जानवर, बेजुबान जानवर का खाता है, तब आपत्ति होती है भाई। पहले अपने भगवान को देखो भाई, सुअर भी नहीं छोड़ते और हमें उंगली दिखाते हो तुम लोग, कमाल है यार। खैर इस वीडियो का मकसद किसी धर्म को नीचा दिखाना नहीं है, इस वीडियो का मकसद केवल लोगों को एजुकेट करना है, विशेष रूप से ऐसे हिंदुओं को जो खुद की किताब नहीं पढ़ते भाई कि राम यहाँ पर सुअर भी नहीं छोड़ रहा है हाँ, और तुम क्रिश्चियनों पे उंगली उठा रहे हो। खैर मिलते अगले वीडियो में, प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, तब तक के लिए जय मसीह की।